Now we discuss this chapter 10, that is agriculture statistics. So here this is part 1 where we have to deal with the elements of statistics. After that there are total 2 parts. This is part first and aage chalke part second discuss karenge. So part first hai hamara statistics ka pehla question hai mean median mode are. So jo mean median mode hai ye kya hai, they are all मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ओके, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं मीन मीडियन मोड. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिगर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स बाय देयर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इट इज कॉल्ड एवरेज और अरिथमेटिक मीन. ओके, तो जो मीन मीडियन मोड होते हैं दे ऑल आर सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, ये सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स होते हैं. और जो पहला होता है मीन, जिसको हम एवरेज अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, ये क्या होता है, इट इज़ ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स. ठीक है, जितने वेरिएबल्स हैं, सपोज हमको कि गिवन ऑब्जर्वेशन है जिसमें 12, 13, 14, 15 एंड कुछ नंबर्स दिए हैं, सपोज लेट 16. ठीक है, ये नंबर्स दिए हैं, तो जब हम इन सब वेरिएबल्स को ऐड करेंगे, इन सब का सम करेंगे और उसको जब हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड किससे करेंगे, देयर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स की, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं कितने, तो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, लाइक दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, सो इट इज़ डिवाइड बाय 5. ठीक है, जितने भी ऊपर नंबर्स होते हैं उतने ही वेरिएबल्स के ही नंबर से हम उसको डिवाइड करेंगे, दैन वी गेट इट्स एवरेज. तो हमको जो वैल्यू ऑब्टेन होगी दैट इज़ रिफर्ड इज एवरेज और अरिथमेटिक मीन. इन शॉर्ट दिस फॉर्मूला इज रिटन एट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बार, बार मीन्स होता है मीन या एवरेज, अर्थमेटिक मीन ही होता है ये, समिशन. ठीक है, क्योंकि हम सारे वेरिएबल्स का समिशन कर रहे हैं. ठीक है, एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितने वो वेरिएबल्स का नंबर है. ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स एन. ओके, एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर देयर. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज एंड अर्थमेटिक मीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ डिविशंस ऑफ आइटम फॉर्म द अर्थमेटिक मीन इज. तो अर्थमेटिक मीन्स से जो जितने भी टोटल आइटम्स फॉर्म होते हैं उनका जो सम ऑफ डिविशंस होते हैं वो निकल कर आता है ज़ीरो. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना भी अर्थमेटिक मीन्स होते हैं उन सब का अगर हम सम ऑफ डिविशंस निकालें दैट विल बी ज़ीरो. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मीन इज़ अफेक्टेड बाई चेंज इन ओरिजिनल एंड स्केल बोथ. तो कौन सा मीन की वैल्यू है जो चेंज होती है ओरिजिन और स्केल के अकॉर्डिंग, तो हमारा अर्थमेटिक मीन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड मीडियन. नाम से क्लियर है, मीडियन मीन्स मिडिल मोस्ट वैल्यू. ओके, सपोज कोई डेटा है 1, 2, 3, 4, 5. ओके, इस केस में जो मिडिल वैल्यू होगी 3 इज द मिडिल वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन रिप्रेजेंट्स मीडियन. तो मीडियन कौन रिप्रेजेंट करता है, बाय 50th percentile. ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर्ड आइटम. तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर्ड, अगर फ्रिक्वेंटली कोई चीज़ हो रही है दैट विल बी काउंटेड एज मोड. सपोज देयर सम डेटा ऑब्जर्वेशन हैं 2, 4, 7, 8, 4, 2, 4. इन दिस केस 4 कम्स मोर फ्रिक्वेंटली, तो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा रिपीट कर रहा है दैट इज़ मोड. तो ये जो 3 सेंट्रल टेंडेंसी की मीन, जो मोड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी थे दैट इज़ मीन मीडियन मोड, वो यहाँ हमने डेफिनेशन क्वेश्चंस की फॉर्म में कर लिए हैं कवर. अपार्ट फ्रॉम दिस इन तीनों के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड इन एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नॉर्मल, नॉट सिमेट्रिकल, दैट इज व्हाट इज एसिमेट्रिकल. सो इन केस ऑफ एसिमेट्रिकल, अगर सिमेट्रिकल होता है तो सिमेट्रिकल के केस में अर्थमेटिक मीन इक्वल होता है मीडियन के, इक्वल होगा मोड के. दिस इज द केस विद सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. बट इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिकल, इन दैट केस दे 3 वैल्यूज आर नॉट इक्वल, दे फ्रेम दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप. Means at the time mode is equals to 3 median minus 2 mean. This is very important. Most of the numericals you will do with the help of this
this formula, that is more is equals to 3 median minus 2 mean. Next question, the best measure of central tendency is arithmetic mean. Among the three, हमने तीन central tendency देखा था, arithmetic mean, median and mode. Among these three, arithmetic mean is the best central tendency. Okay. Next one, the ratio of observations to the sum of reciprocals of the value of the different observation, that is, it is referred as harmonic mean. Harmonic mean क्या होता है? It is a ratio of observations to the sum of the reciprocals of the value of the different observations. जो normal arithmetic mean निकालते हैं, उसका जब हम reciprocal कर देते हैं, then we get harmonic mean. Next one, the order of the three averages for given data. अब mean भी तीन तरह के होते हैं. Means जो होते हैं, वो तीन types के होते हैं. Arithmetic mean, हार्मोनिक मीन एंड लास्ट वन इज GM, ज्योमेट्रिक मीन. इन तीनों मीन में जो रिलेशनशिप होता है, दैट इज़ जो अर्थमेटिक मीन होता है, इट इज़ ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज़ ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन. सो अमंग दीज थ्री मीन्स, हार्मोनिक मीन की जो वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है, लेस होती है, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू बहुत हाई होती है, और ज्योमेट्रिक मीन जो होती है दैट इज़ मीडियम. ओके, तो इनका जो अरेंजमेंट होता है, इनका जो करेक्ट ऑर्डर है, that is arithmetic mean is greater than geometric mean then harmonic mean. Next one, next question is mean applied when deals with rate, price and speed of vehicles. Okay, जब भी हम ऐसे maths में जब भी हम किसी के price या rate को लेके questions करते हैं solve, या speed को लेके question solve करते हैं, suppose जैसे हमको कोई distance दिया है, time दे रखा है, तो उनकी जो average speed वगैरह वाले जो questions हम maths में solve करते हैं, in that case we generally use this formula, harmonic mean को ही हम यहाँ पे use करते हैं. In that case we are not using arithmetic means, we are using harmonic mean. Next question, mean applied when deals with the relative change. ठीक है, जब हम कोई relative change calculate करते हैं, example bacterial growth. अब क्योंकि bacterial growth में क्या होता है, सिर्फ number of cells increase होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो relatively change होने को देखने को मिलता है कि कितना cell population इस time पे थी, given time पे, उसके बाद next given hours में या next given time पे population कितनी increase हुई है, तो वो relative change के लिए देखना पड़ता है, या सेल डिवीजन या पॉपुलेशन में क्या ग्रोथ हुई है, रिलेटिव चेंज जो होता है, दैट इज, इन दैट केस वी आर यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो अभी तक जो हमने पढ़ा मीन्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ओके, सेंट्रल टेंडेंसी के क्या क्या मेथड्स होते हैं, तो सेंट्रल टेंडेंसी हमारी तीन चीज़ें, तीन वैल्यूज आती हैं. एक आता है हमारा मीन, देन मीडियन, देन मोड. मीन भी तीन टाइप्स के होते हैं, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, जिसमें से सबसे ग्रेटर होता है हमारा अर्थमेटिक मीन, लोवेस्ट हार्मोनिक है, और GM जो है मीडियम होता है. अब हम आते हैं वेरियंस के बारे में जानते हैं. वेरियंस जो है इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है, इट इज़ नोन एज मेजर ऑफ डिस्पर्जन. ओके, अब वेरियंस होता क्या है, वेरियंस के बारे में देखते हैं. द एवरेज ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिवीजन अबाउट मीन, मीन्स हम यहाँ पे वेरियंस एक तरह का एवरेज होता है, ठीक है. एवरेज का मतलब क्या होता है, ऊपर किसी चीज़ का समेशन होगा और नीचे उस चीज़ का टोटल होगा, टोटल जो ऑब्जर्वेशन का नंबर है एन, ठीक है. तो ये वेरियंस जो होता है, इट इज़ एवरेज. एवरेज किसका होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स, सम किसका होगा, किसी चीज़ का सम है, समीशन लगा दिया, सम माने समीशन, स्क्वायर्स है किसी चीज़ का स्क्वायर होगा और उसका सम करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशन अबाउट मीन. जब हम वैल्यूज़ का डिविएशन कैलकुलेट करेंगे मीन से, ठीक है, तो मीन हमारा होता है एक्स बार, और जब हम किसी वैल्यू का डिविएशन चेक करेंगे मीन्स के साथ, तो ये हमारा जगह वैल्यू जो होगी माइनस एक्स बार, यानी एक्स बार हमारा मीन होता है. जो मीन लिखा है ना, मीन का मतलब होता है एक्स बार. ओके, तो जब हम समीशन, ये हो गया हमारा समीशन ऑफ स्क्वायर्स भी हो गया, ठीक है, जो जो यहाँ पे लिखा है सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी सम ये हो गया, स्क्वायर ये हो गया, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविजन अबाउट मीन, और ये जो हमने ब्रैकेट के अंदर वैल्यू रखी है, दैट इज एक्स माइनस एक्स बार, ये हमारा है डिविजन अबाउट मीन.
और क्योंकि स्टार्टिंग में बोला है एवरेज है, तो एवरेज मतलब डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये चीज़ हमारी होती है वेरियंस। ओके, आई होप सो आपको वेरियंस क्या होता है क्लियर हो गया होगा। अगेन वेरियंस को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा होता है जो वेरियंस होता है, ठीक है अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप नोट करो कि जो वेरियंस होता है इट इज़ जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है उसका स्क्वायर होता है, ठीक है, और जो एसडी होता है वो क्या होगा, इट इज़ अंडर रूट ऑफ वेरियंस, सिंपल, ठीक है। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो वेरियंस जो होता है इट इज़ वेरियंस जो होता है इट इज़ जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है उसका स्क्वायर होता है, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है इट इज़ अंडर रूट ऑफ वेरियंस, इस तरह के भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ स्कैटर्डनेस ऑफ वेरिएशन ऑफ द वेरिएबल अबाउट द सेंट्रल टेंडेंसी। जब हम सेंट्रल टेंडेंसी के अबाउट किसी भी डेटा का, किसी भी डेटा में कितने चेंजेस हैं, कितना वो वेरी कर सकता है, ये सब जब देखते हैं उसको बोलेंगे डिस्पर्शन। तो दो चीज़ होती हैं, एक होती है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड द नेक्स्ट वन इज़ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ओके, तो ये हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहलाता है, जब हम वेरिएशंस चेक करते हैं, अगर हमारा सेंट्रल टेंडेंसी के अराउंड कितना वेरिएशन आ रही है डेटा में, दैट इज कम्स अंडर द मेजर ऑफ डिस्पर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमडी एसडी एंड वेरिएंस आर, ठीक है। अब ये एमडी, एमडी क्या होता है, एमडी का मतलब होता है मीन डेविएशन, एमडी इज मीन डेविएशन, और एसडी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो मीन एस डी एन वेरियंस, तो ये जो भी यहाँ पे लिखा है मीन एस डी एन वेरियंस, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब मेजर मेजर डिस्पर्जन होते हैं। डिस्पर्जन माने कितना फैलाव हो रहा है, दैट इज़ स्प्रेड, मेजर ऑफ स्प्रेड या मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो मेजर डिस्पर्जन जो होते हैं हमारा, ठीक है आप नोट करो, मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो होता है ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताए थे, तीन होते हैं मीन मीडियन मोड, वैसे ही मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, और एक होते हैं हमारे रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। जो एब्सोल्यूट होते हैं उसमें हमारा आता है रेंज, रेंज वेरियंस एंड एमडी, रेंज वेरिएंस और मीन डेविएशन हमारे एब्सोल्यूट होते हैं। रिलेटिव में सिर्फ हमारे दो आते हैं, एक सी वी आता है दैट इज़ कोफिशेंट ऑफ वेरिएंस, और एक आता है हमारा एस ई एम। एस ई एम क्या होता है, एस ई एम का मतलब होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन एस ई एम, ये रिलेटिव में आता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो एम डी एस डी और वेरियंस है ये हमारे मेजर डिस्पर्जन होते हैं, जिसमें से हमारा जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में से ये तीनों हमारे किस में आएंगे, एब्सोल्यूट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट वन इज हाफ ऑफ द इंटरक्वार्टाइल रेंजेस, हाफ ऑफ द इंटरक्वार्टाइल रेंज कहलाता है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज, तो अमंग द डिस्पर्जन मेथड द बेस्ट वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब हमने सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में देखा तो सेंट्रल टेंडेंसी में जो बेस्ट था दैट इज़ मीन, या फिर उसको एवरेज भी बोलते हैं हम, एवरेज या अर्थमेटिक मीन। और मेजर डिस्पर्जन की अगर बात करें तो मेजर डिस्पर्जन में जो बेस्ट होता है दैट इज डी, स्टैंडर्ड डिविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑलवेज कैलकुलेट बाय अर्थमेटिक मीन। जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं तो हमको हमेशा अर्थमेटिक मीन का ही यूज़ करना पड़ता है। तो आपने देखा कि जो अर्थमेटिक मीन है उसका एक यूज़ आप देख सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन हम एवरेज कैलकुलेट करने में तो करते ही करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन यूज़ ऑल्सो टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अर्थमेटिक मीन से हम एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, एवरेज लाइक एवरेज हाइट, एवरेज टेम्परेचर, एवरेज ईल्ड, एग्रीकल्चर की बात करें तो हम एवरेज ईल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द अर्थमेटिक मीन। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिविएशन को भी हम अर्थमेटिक मीन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, ऊपर एक फॉर्मूला बताया था कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है उसमें क्या होता है, समीशन होता है, समीशन ऑफ व्हाट मीन डेविएशन का जो होता है उसका स्क्वायर करते हैं, और एक तरह का एवरेज
जो होता है वेरिएंस, मैंने आपको बताया था एक तरह से ये हमारा वेरिएंस की वैल्यू होती है, यही हमारा वेरिएंस है। और इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है इट इज़ अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, क्योंकि ये जो लिखा है मैंने समेशन ऑफ ये वेरिएंस का ही फॉर्मूला होता है देखा जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अर्थमेटिक मीन का ही यूज़ करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डिविएशन रेंजेस फ्रॉम, स्टैंडर्ड डिविएशन का जो वैल्यू होता है वो कहाँ से रेंज होती है इसकी, इट इज़ वेरी फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। इसकी जो रेंज होती है वो ज़ीरो से इन्फिनिटी के बीच में वेरी करती है। वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें, बिकॉज लास्ट में हम थोड़ा सा समराइज़ करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स के। ठीक है, बिकॉज एग्रीकल्चर में स्टैटिक्स का बहुत ज़्यादा कोर्स आई मीन जो पार्ट है बहुत ब्रॉड नहीं है। एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो मेजर हमारे जो बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, इंटेमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, ये हमारे कुछ मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। बाकी जैसे हमारा स्टैटिस्टिक्स हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, थोड़े से कम वेटेज वाले सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये तो एसडी की रेंज होगी जीरो से इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू दैट इज़ कॉल्ड रेंज। जब हम हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं यानी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू दैट इज़ रेंज। और रेंज हमारा क्या है, रेंज इज़ अ पार्ट ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ओके, अभी मैंने आपको बताया था मेजर ऑफ डिस्पर्जन दो टाइप्स के होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, और जो रेंज है ये हमारा एब्सोल्यूट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिटलेस फिगर बेस्ड ऑन टू वैल्यूज़, यूनिटलेस फिगर होती है, ये भी आपको याद रखना है कि रेंज की कोई यूनिट नहीं होती, इट इज़ यूनिटलेस फिगर। ओके, तो रेंज हमारी यूनिटलेस फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट बाय, तो कोफिशेंट ऑफ वेरिएंस जो हम निकालते हैं दैट इज़ कॉल्ड सी वी, कोफिशेंट ऑफ वेरिएंस दैट इज़ सी वी, और ये भी हमारा मेजर डिस्पर्जन के अंदर आता है। और जो सी वी है ये हमारा एक दो होते थे रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, तो ये हमारा है सी वी जो आता है हमारा रिलेटिव में आता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है जो कैलकुलेट करते हैं कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन दैट इज़ एस डी डिवाइड बाई मीन इंटू 100। ठीक है, एस डी यानी स्टैंडर्ड डिविएशन को डिवाइड करेंगे मीन से और मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड 100 से, दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सी वी। नेक्स्ट क्वेश्चन द वेरिएशन यूज टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी बिटवीन द टू सीरीज, तो दो सीरीज़ के बीच में अगर वेरिएबिलिटी कैलकुलेट करनी है इन दैट केस वी कैलकुलेट बाय सी वी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ नॉट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो यहाँ पे तो सी वी ही लिखा है, बट सी वी जो होता है वो मेजर डिस्पर्जन होता ही है। सी वी भी हमारा जो होता है मेजर डिस्पर्जन में ही आता है, भी मैंने आपको बताया मैंने मतलब जो मैं रेफरेंस दे सकती हूँ यहाँ पे जो नीमराज सुंडा की बुक है उसमें तो ऐसा ही मेंशन है, नीमराज सुंडा की जो बुक है उसमें दे रखा है कि जो सी वी होता है दैट इज़ कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन सी वी, वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन ही होता है एंड इट कम्स अंडर रिलेटिव। ठीक है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन का अगेन आई एम टेल यू मेजर ऑफ डिस्पर्जन दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उस बुक सुंडा की बुक में ही मेंशन है मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बारे में, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा एब्सोल्यूट और एक होता है हमारा रिलेटिव। एब्सोल्यूट में हमारे तीन आते हैं रेंज देन वेरिएशन सॉरी नॉट वेरिएशन इट इज़ वेरिएंस एंड नेक्स्ट वन इज एम डी मीन डेविएशन, और जो रिलेटिव होता है रिलेटिव में हमारा आता है कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन और एस ई एम दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ठीक है, तो सी वी भी हमारा मेजर डिस्पर्जन ही है और ये रिलेटिव के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लो, नॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर ऑफ द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ एसिमेट्री, तो इसको हम कहते हैं स्क्यूनेस। ओके, दैट इज़ कॉल्ड स्क्यूनेस। जो हम ग्राफ बनाते हैं इसमें कितना जो है जो डायरेक्शन है सिमेट्री है वो दर्शाता है बाय स्क्यूनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉर्मूला ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला दैट इज़ मीन माइनस मोड डिवाइड बाय सिग्मा एंड दैट्स इज नोन एज सिग्मा, जो होता है ये वेरिएंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ज़ीरो, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तो स्क्यूनेस की वैल्यू जो होगी दैट इज़ ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल अबाउट द फ्लैटनेस और पीकनेस ऑफ द कर्व. अगर हमारे कर्व में फ्लैटनेस और पीकनेस होती है, ठीक है, फ्लैटनेस है ये एकदम पीकनेस है, ये हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग कर्टोसिस. ओके, तो कर्टोसिस में फ्लैटनेस और पीकनेस ये दो शब्द अगर आपको दिखेंगे देन यू विल कैच इट दैट इज कर्टोसिस की बात हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कर्टोसिस वॉज इंट्रोड्यूस बाय. कर्टोसिस टर्म किसने दिया है, तो कर्टोसिस जो टर्म है वो दिया है कार्ल पियर्सन ने इन द ईयर 1906. ओके, तो याद रखना है कर्टोसिस जो है कार्ल पियर्सन ने दिया है. इसके अलावा कार्ल पियर्सन जो है ये इम्पोर्टेंट हैं स्टैटिक्स के बारे में, ठीक है, जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक उसमें कार्ल पियर्सन, एक और साइंटिस्ट होंगे फिशर, ये दो साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अभी कार्ल पियर्सन का नाम आ ही गया है तो कार्ल पियर्सन से रिलेटेड हम और भी चीज़ें देख लेते हैं. जो कार्ल पियर्सन है इन्होंने कर्टोसिस के बारे में तो दिया ही दिया है, साथ में स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में इन्होंने बताया है, सी वी, और एक होता है काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, एज डी सी वी काई स्क्वायर टेस्ट, और दूसरा है कर्टोसिस टर्म. तो कर्टोसिस का जो टर्म है ये भी इन्होंने दिया है कार्ल पियर्सन ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कर्व हैव बीटा टू ग्रेटर देन थ्री और वाई टू ग्रेटर देन जीरो, इट इज़ कॉल्ड लैप्टोकॉर्टिक कर्व. इसको हम बोलते हैं लैप्टोकॉर्टिक कर्व. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कर्व हैव बीटा टू इक्वल टू थ्री एंड वाई टू इक्वल्स टू जीरो, दिस कंडीशन नोन एज मीसोकॉर्टिक कर्व. ठीक है, तो लेप्टोकॉर्टिक और मीसोकॉर्टिक की कंडीशंस ध्यान रखनी है कहाँ पे क्या होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी द एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिविएशन बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स. ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में हमको रिलेशन फाइंड करना होता है दैट इज़ कॉल्ड कोरिलेशन. अ कोरिलेशन की जो वैल्यू लाई करती है इट इज़ लाई फ्रॉम -1 टू +1. ओके, कैसे याद रख सकते हैं कोरिलेशन की वैल्यू को, क्योंकि बहुत सारी स्टैट्स में बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं. अब भी आपको मैं यहाँ नोट करा देती हूँ, पहले एक होती है प्रोबेबिलिटी, नोट कर लो आप. प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू वेरी करती है 0 से 1 के बीच में. ओके, फिर एक आता है हमारा स्टैंडर्ड डिविशन. अभी आपने ऊपर देखा था स्टैंडर्ड डिविशन की जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है 0 से इन्फिनिटी. ठीक है, देखो 0 से 1 तक प्रोबेबिलिटी होती है. ये प्रोबेबिलिटी के बारे में तो आप पहले से जानते ही होंगे क्योंकि आपने आई थिंक मैथ्स तो आपने सबने 10th क्लास तक पढ़ी होती है, 10th 12th तक आपने मैथ्स तो पढ़ी होगी, वहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी ज़रूर पढ़ते हो. तो प्रोबेबिलिटी के बारे में तो आपको थोड़ा बेसिक पता ही होता है और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करती है, ये फैक्ट भी हमें पता है. फिर आता है हमारा स्टैंडर्ड डिविशन. ठीक है, स्टैंडर्ड डिविशन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक होती है. इसके अलावा जो काई स्क्वायर टेस्ट हम निकालते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट भी जो वेरी करते हैं 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही वेरी करता है. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखने, एस डी और काई स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी इनकी रेंज होती है. ठीक है, अब इसके बाद दो तरह के रिलेशन होते हैं, एक होता है कोरिलेशन और एक होता है रिग्रेशन. ठीक है, एक होता है हमारा रिग्रेशन कोफिशेंट और एक होता है हमारा कोरिलेशन कोफिशेंट. ठीक है, अब रिग्रेशन को कैसे याद रखूँ, देखो रिग्रेशन में आप याद रखना रिग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वेरी करता है, जबकि कोरिलेशन वेरी करते हैं -1 से +1. याद कैसे रखेंगे, देखो कोरिलेशन एल आ रहा है, L को लोग ऐसे भी बनाते हैं इंग्लिश में L, ठीक है, L ऐसे भी बनाते हैं और कुछ लोग L को ऐसे ही बनाते हैं 1 की तरह, तो ये L जहाँ पर होगा तो वहाँ पे -1 +1. ठीक है, और रिग्रेशन को कैसे याद करूँ, देखिए रिग्रेशन में ये R बन रहा है, इस तरह से R बन रहा है, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं R, और स्मॉल R कैसे बनते हैं, ऐसे बनाते हैं. ठीक है, तो ये जो घुमावदार स्ट्रक्चर है तो आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लो. ठीक है, तो इसको थोड़ा टेढ़ा करके ऐसे बना लो आप, तो ये इन्फिनिटी का साइन बन रहा है. ठीक है, तो रिग्रेशन कोफिशेंट -∞ + ∞ और कोरिलेशन का एल, एल में 1 आ रहा है तो -1 से +1. मैंने इसी तरह से याद करा था, तो ये मेरा कुछ एक ट्रिक बोल सकते हैं मैंने जो आपके संग शेयर करी, ट्रिक समझ में आ गई हो तो वीडियो को भी लाइक करते रहना. अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन ओके कोरिलेशन -1 +1, ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा विच इज़ यूज टू मेजर द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप बताने के लिए हम यूज़ करते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन कोफिशेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, के ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, द डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मीन इज ग्रेटर देन वेरियंस, इट इज़ नोन एज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दो तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। आपको ध्यान रखना है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन की वैल्यू बड़ी होती है वेरियंस से, लेकिन अगर मीन और वेरियंस दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये हमारा हो रहेगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का केस, ओके। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो हमारी होती है एन माइनस थ्री, दैट इज़ एन माइनस थ्री, ये हमारा वैल्यू होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ही रहे हैं तो हम एक बार डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। आपको पता होगा स्टैटिस्टिक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पढ़ते हैं, तो दो तरह के वेरिएबल्स हमारे होते हैं, ठीक है। उन वेरिएबल्स के हिसाब से हम हमारे दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन सामने आते हैं, एक होता है हमारा डिस्क्रीट, डिस्क्रीट और एक होता है हमारा कॉन्टीन्यूस, ठीक है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट की अगर बात करते हैं यहाँ पे हमारे नॉर्मल इंटीजर्स नंबर आते हैं, जैसे 1, 2, 3 इस तरह से। कॉन्टीन्यूस की बात करते हैं यहाँ पे सब नंबर्स इंक्लूड होते हैं, लाइक 1, 1.2, 1.3 सो ऑन, देन 2, 2.5 इस तरह के अगर नंबर आ रहे हैं डेसिमल्स में तो वो कॉन्टीन्यूस है, लेकिन नॉर्मल सिर्फ नंबर आ रहे हैं 1, 2, 3 लाइक दिस, दैट इज़ कॉल्ड इंटीजर्स एंड दिस इज टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। अब जो हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें अगेन दो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस के केस में सिर्फ एक ही आता है, दैट इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो अभी हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे देखा था बायनोमियल और पॉइजन का, तो याद रखना बायनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा दोनों डिस्क्रीट के अंदर आता है, एक तरह का डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये, ठीक है। बायनोमियल के केस में मीन की वैल्यू बड़ी होती है वेरियंस से, लेकिन पॉइजन के केस में मीन और वेरियंस दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं ना, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो फॉर्मूला बनता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो एन माइनस थ्री है, ठीक है, ध्यान रखना, याद कर लो इसको। और जो फॉर्मूला बनता है दैट इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, उसमें क्या होता है कि मीन इज इक्वल्स टू मोड इज इक्वल्स टू मीडियन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन, मीडियन, मोड ये सारी तीनों वैल्यूज इक्वेट होती हैं, इक्वल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूज टू डिनोट चांस ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग इन इवेंट, कोई भी इवेंट है उसकी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग का जो चांस होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। इसको हम रिलेट कर सकते हैं बाय टॉसिंग अ कॉइन, अगर हम किसी कॉइन को टॉस करें एदर वी गेट अ हेड और टेल, टेल, ओके। तो ये प्रोबेबिलिटी की हेड आएगा और यह हेड नहीं आएगा, इनकी प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। और अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो 0 to 1 के बीच में ही वेरी करेगी, 0 to 1 के बीच में ही इनकी वैल्यू आएगी, इसके बाहर 0 to इधर या 1 to उधर इसकी वैल्यू नहीं जाएगी, ये 0 to 1 के बीच में ही लाई करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी इज फॉर्मुलेटेड बाय फॉर्मूला है इसका नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केस। नेक्स्ट, इसकी रेंज 0 to 1 है, रेंज अभी हमने सारी डिस्कस कर ली थी, ठीक है। आपने मिस करा है तो वीडियो को स्किप कर दिया है तो वीडियो को वापस से पीछे जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टेस्ट यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू मीन्स विद द सैम्पल साइज स्मॉल अप टू 30, ठीक है। अगर हमारा सैम्पल साइज स्मॉल होता है और हमको मीन को कंपेयर करना है देन वी यूज टी टेस्ट। नेक्स्ट वन, स्टूडेंट टी टेस्ट यूज्ड व्हेन सैम्पल साइज स्मॉल एंड एसडी इज अननोन, अगर सैम्पल साइज छोटा है और एस डी की वैल्यू अननोन है देन वी यूज स्टूडेंट टी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट टी टेस्ट वॉज प्रपोज बाय, ये दिया था गोसेट ने, ये साइंटिस्ट है, फैक्ट है, तो आपको याद एज सच करना होगा कि स्टूडेंट टी टेस्ट किसने प्रपोज करा है, दैट इज एस डब्ल्यू एस गोसेट,
इम्पॉर्टेंट है, गोसेट ने और कोई टेस्ट नहीं दिया है, गोसेट साइंटिस्ट का नाम बस आप यहीं पे पढ़ोगे, ठीक है। पूरे स्टैट्स में गोसेट ने बस यही करा है, टी टेस्ट, ठीक है। आपके मतलब का भी इतना ही है, और भी कुछ करा होगा, ठीक है, पर हमारे काम का बस इतना ही है कि गोसेट ने टी टेस्ट दिया है, ठीक है, दैट इज स्टूडेंट टी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू टेस्ट द प्रपोर्शंस एंड वेरियंस वी यूज़ एफ टेस्ट। प्रपोर्शन और वेरियंस के लिए हम जल्दी यूज़ करते हैं एफ टेस्ट का। नेक्स्ट वन, टू कैलकुलेट द गुडनेस ऑफ फिट और होमोजेनिटी वी यूज़, देखो ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि गुडनेस ऑफ फिट या फिर होमोजेनिटी वाला टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। ये CHI काई ऐसे लिखा जाता है, या फिर इसका सिंबल होता है इस तरह से काई स्क्वायर, ठीक है। तो काई स्क्वायर टेस्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं गुडनेस ऑफ फिट की केस में, ठीक है। अगर बात करें हम जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो किसने दिया था, तो काई स्क्वायर टेस्ट इस वॉज गिवन बाय कार्ल पियर्सन। नाम याद कर लो साइंटिस्ट का, कार्ल पियर्सन जो है, उन्होंने क्या क्या दिया है। कार्ल पियर्सन ने करटोसिस टर्म दिया था, पहले हमने ऊपर पढ़ा था करटोसिस, करटोसिस के बारे में कार्ल पियर्सन ने बताया, स्टैंडर्ड डेविएशन कार्ल पियर्सन है, CV कार्ल पियर्सन, और जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है वो भी कार्ल पियर्सन के द्वारा ही बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काई स्क्वायर टेस्ट गिवन बाय, तो हो यही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है कार्ल पियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द कैलकुलेटेड एफ इज़ ग्रेटर देन द टेबल एफ वैल्यू एट 5% ओनली द डिफरेंस इन द ट्रीटमेंट्स आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। देखो एफ वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं, फिर हम उसको कंपेयर करते हैं टेबल एफ से, एक टेबल आती है, ठीक है, एफ टेबल, वो हम कैलकुलेट करते हैं 5% पे, ठीक है। व्हेन द कैलकुलेटेड एफ इज़ ग्रेटर देन, यानी जब हमारा जो कैलकुलेटेड एफ है, कैलकुलेटेड एफ की वैल्यू अगर ज़्यादा है एफ टैब से, टैब माने टेबल, उस केस में हमारा जो भी ऑब्जर्वेशन होती है या जो भी हमारा ट्रीटमेंट है वो हमारा सिग्निफिकेंट काउंट होगा, ठीक है। तो जब हमारी कैलकुलेट वाली वैल्यू ज़्यादा आती है, ठीक है, जिसको आप फॉर्मूले लगा के रखते हो, इसका प्रॉपर एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करते हो, फिर बहुत मेहनत के बाद, मेहनत तो क्या फिलहाल, कैलकुलेटर का यूज़ करके आप कैलकुलेट करते हो, और वो वैल्यू जब ज़्यादा आती है टेबल वैल्यू से, तो उस टाइम पे हमारा जो जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी वैल्यूज़ हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं, हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। यही अगर रिवर्स हो जाए इसका, रिवर्स का मतलब आप समझो कि ये चीज़ लेस हो जाए, यानी टेबल की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारा नॉन सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट में आपको एक वैल्यू याद रखो, ठीक है, मैं एक वैल्यू याद रखती हूँ, यानी एफ कैलकुलेटेड अगर ज़्यादा है एफ टैब से, ठीक है। देखो कैलकुलेट करने में आपकी मेहनत लगी, और आपकी मेहनत जब ज़्यादा हो गई तो चीज़ हमारे हक में होगी, सिग्निफिकेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम द टेबल एफ वैल्यूज फॉलो डैश ट्रेंड। तो देखो जब ये होता है, क्या होता है, एरर जो होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो एरर होता है वो इंक्रीज कर जाएगा, तो एफ वैल्यूज में एक तरह का डिक्रीज ट्रेंड हमको देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन हमारे हो गए पार्ट वन के। अब पार्ट सेकेंड है हमारा फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जो हम फील्ड में एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन प्लॉट्स में हम किस तरह का वेरिएशन करते हैं, उस टाइप्स के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डिज़ाइंस क्रिएट होते हैं, तो वन बाय वन हम उसको देखते हैं। हेयर द फर्स्ट क्वेश्चन इज लॉजिकल कंस्ट्रक्शंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन विच द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी विद विच द इन्फ्रेंस रिजल्ट कन्फ्यूजन और मे बी वेल डिफाइंड दैट इट इज़ कॉल्ड, ये पूरी जो है डेफिनेशन है डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की, ठीक है। तो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है, लॉजिकल कंस्ट्रक्शंस ऑफ एक्सपेरिमेंट, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट सेट करते हैं हम प्रॉपर उसको लॉजिकल कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, एक वी कैन से एक उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, ठीक है। और उसमें क्या क्या चीज़ होंगी, क्या चीज़ उसमें अनसर्टेन होंगी, क्या उसके आउटपुट्स होंगे, ठीक है, इन सब को जब हम एक लॉजिकल थिंकिंग से कंस्ट्रक्ट करते हैं, दैट इज़ नोन एज डिज़ाइन, वो हमारे एक्सपेरिमेंट का एक डिज़ाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन विच एन एक्सपेरिमेंट हैज़ टू ट्राई इन द फील्ड फॉर असेसिंग देयर वैल्यू, यानी एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है जिसको हमें कंपेयर करना होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट क्या है, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट,
द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपेरिजन, जिसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, विद विच एन एक्सपेरिमेंट हैज़ टू ट्राई आउट इन द फील्ड, ठीक है। तो जिसको हम, जिस ऑब्जेक्ट को हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे ट्राई करेंगे, दैट इज़ नोन एज ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, लाइक कोई वेराइटी है, हमने प्लॉट में कोई वेराइटी लगा रखी, उस वेराइटी को हमें कंपेयर करना है कि इस वेराइटी, कोई भी हमारी सपोज वेराइटी एक्स है, वेराइटी जेड से कितनी अच्छी है, उसकी यील्ड कितनी हाई है, उसमें कितना रेजिस्टेंट है, ठीक है। या फिर हमारा वो हमारा वेराइटी जो है हमारा ट्रीटमेंट कहलाता है एट दैट टाइम। सपोज़ यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल, लाइक सपोज़ वी आर डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट ऑन मैन्योर। सपोज कोई एक्स क्वालिटी के मैन्योर है, हम उसको कंपेयर करेंगे दूसरी क्वालिटी मैन्योर के संग, तो हमारा जो जो हमने ऑब्जेक्ट फाइंड करा है कैलकुलेशन और कंपेरिजन के लिए, दैट इज़ मैन्योर। एट दैट टाइम मैन्योर एक्ट एज अ ट्रीटमेंट, ओके। तो जो हम कंपेयर कर रहे होते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, दैट इज़ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट। अब फील्ड एक्सपेरिमेंट के तीन बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो नंबर याद रखना है तीन। अगर बात हो रही है प्रिंसिपल्स ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन की, तो फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन के तीन ही प्रिंसिपल होते हैं, इसके अलावा और कोई चौथा प्रिंसिपल नहीं है होता। तो तीन प्रिंसिपल क्या होते हैं, दैट इज़ रेप्लिकेशन, रेंडोमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल। दी ऑल आर थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स, ठीक है। जब हम ट्रीटमेंट्स को रिपीट करेंगे, रिपीट का मतलब होता है रेप्लिकेशन, तो आपको ये शब्द पकड़ना है, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट। जब किसी भी ट्रीटमेंट को हम रिपीट करेंगे, रिपीट का मतलब रेप्लिकेट करना होता है, रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, पहला प्रिंसिपल हो गया कंप्लीट, रेप्लिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल था हमारा रेप्लिकेशन, रेंडोमाइजेशन। रेंडोमाइजेशन क्या होता है, क्वेश्चन है यहाँ पे, एलोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स टू द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट यूनिट बाय रैंडम प्रोसेस, ठीक है। रैंडम प्रोसेस है तभी तो रैंडमाइजेशन यूज़ हो रहा है। इसका मतलब है हम ट्रीटमेंट्स को एलोकेट करेंगे, ठीक है। अगर हम किसी ट्रीटमेंट को रिपीट करिए, हमारा कोई ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट का मतलब मैंने अभी आपको बताया, ट्रीटमेंट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम कंपेयर करने जा रहे हैं। सपोज ये हमारी कोई वेराइटी है, वो हमारा ट्रीटमेंट है। अब उस ट्रीटमेंट को हम कितना रिपीट कर रहे हैं, उसका रिपीटेशन कहलाता है हमारा रेप्लिकेशन। रिपीट मतलब रेप्लिकेशन, ओके। अब सेकंड हम ये देखते हैं, रिपीट मैंने रेप्लिकेशन किया, अब हम उसको एलोकेट कैसे करेंगे, और एलोकेशन हमको करना है रैंडम तरीके से, दैट इज़ नोन एज रैंडम तरीके से करना, दैट इज़ रैंडोमाइजेशन। दोनों हमारे प्रिंसिपल कवर हो गए। अब बचता है लोकल कंट्रोल, ठीक है, वो भी समझते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, लोकल कंट्रोल हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एक्सपेरिमेंटल एरर। लोकल कंट्रोल से हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट में जो एरर होते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो लोकल कंट्रोल है, वी कैन से दैट लोकल कंट्रोल इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द एक्सपेरिमेंटल मटीरियल इंटू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स में जब हम एक्सपेरिमेंटल मटीरियल को डिवाइड कर देते हैं टू क्रिएट द होमोजीनियस नेचर, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो लोकल कंट्रोल है ये क्या क्रिएट करते हैं, होमोजेनिक टाइप ऑफ नेचर, होमोजीनियस नेचर, ठीक है। जैसे होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, लाइक वैसे ही कंडीशंस को होमोजीनियस बनाने के लिए हम करते हैं लोकल कंट्रोल। लोकल कंट्रोल में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल मटीरियल है उसको प्रॉपरली डिवाइड करेंगे। जब मटीरियल प्रॉपर डिवाइड हो जाता है, दैट इज़ वो होमोजीनियस हो जाता है, सेम हो जाता है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सेम बनाने के लिए हम ऐसा इसलिए करते हैं टू रिड्यूस द चांस ऑफ एरर, ताकि जो एरर होते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर, उनका चांस कम हो जाए। तो ये हमारा कहलाता है लोकल कंट्रोल, ठीक है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, देयर आर टोटल थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन, दैट इज रेप्लिकेशन, रेंडमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड व्हेन द डेटा नॉट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर कोई भी डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करता है, इन दैट केस वी यूज सम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सम बहुत बार होता है कि जब हमारा डेटा होता है प्रॉपरली वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता, ठीक है, इन दैट केस वी डू सम मॉडिफिकेशंस और वी कैन से सम ट्रांसफॉर्मेशन। तो उस टाइम पे हम उसको बोलते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर परसेंटेज। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर परसेंटेज के लिए हम यूज़ करते हैं एंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन,
Next question, which transformation is applied when mean a variance? तो mean a variance यहाँ पे है square root type of transformation. ठीक है, तो ये important होते हैं transformation के नेम आपको याद कर लेने हैं सीधा सीधा. ठीक है, कि हम transformation सबसे पहले तो transformation हम कब करते हैं, जब normal distribution follow नहीं होता, at that time we use some transformation techniques. Next question is the hypothesis under test. जिस hypothesis को हमें test करना होता है, it is called null hypothesis. A null hypothesis is represented by H naught, ये H zero. ठीक है, तो ये हमारा null hypothesis होता है जिसको हमें test करना होता है. ठीक है, एक होता है null hypothesis और दूसरा हमारा होता है alternate hypothesis. Alternate hypothesis को हम denote करते हैं H one. तो H one है हमारा alternate hypothesis. ठीक है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस का मतलब होता है हाइपोथेसिस कॉन्ट्ररी टू द नल हाइपोथेसिस, मतलब नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट होती है. ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस के जो अगेंस्ट हाइपोथेसिस होती है दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट हाइपोथेसिस. एच वन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएशन ड्यू टू अनकंट्रोल्ड फैक्टर इट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल एरर. नेक्स्ट, द एरर इन विच द हाइपोथेसिस इज ट्रू बट अवर टेस्ट rejects it. ठीक हो, उसको बोलेंगे हम टाइप वन एरर. तो टाइप वन एरर में क्या होता है, टाइप वन एक एरर, एक ऐसा एरर होता है जिसमें हाइपोथेसिस जो होती है, हाइपोथेसिस ट्रू बट अवर टेस्ट रिजेक्टेड. हमारा हाइपोथेसिस तो ठीक होता है लेकिन वो रिजेक्ट हो जाती है. ठीक है, तो ये हमारी होगी टाइप वन एरर. टाइप वन एरर को आप समझ सकते हैं कि टाइप वन एरर में एक होती नल हाइपोथेसिस, एक होती अल्टरनेट हाइपोथेसिस. ओके, तो टाइप वन एरर में जो हमारी नल हाइपोथेसिस होती है वो ट्रू होती है लेकिन वो रिजेक्ट हो जाती है. जिस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं वो हमारी नल हाइपोथेसिस होती है. ठीक है, तो टाइप वन एरर के केस में नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है पर वो ट्रू होते हुए भी रिजेक्ट हो जाती है, जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारी फॉल्स होती है और वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट इज एक्सेप्टेड. ये होता है टाइप वन एरर का केस. नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द टू टाइप्स ऑफ एरर इन टेस्टिंग द मोर सीवियर एरर इज, सबसे सीवियर होता है टाइप टू एरर. ठीक है, देखो जब भी हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं उसके बाद हम टाइप्स ऑफ एरर की बात करते हैं. टाइप्स ऑफ एरर दो प्रकार के होते हैं, टाइप वन एंड टाइप टू. टाइप टू जो होता है वो सबसे ज़्यादा सीवियर होता है. ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कहीं भी क्वेश्चन में या वाइवा वगैरह जो भी होता है आपका. ठीक है, तो आपसे पूछा जाए टाइप वन और टाइप टू एरर में सबसे सीवियर कौन होता है, तो योर आंसर विल बी टाइप टू एरर. ठीक है, टाइप टू एरर की कंडीशन अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें भी हमारी दो हाइपोथेसिस बनेगी, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस जो होती है यहाँ पे फॉल्स होती है बट वो एक्सेप्ट होती है, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. ठीक है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो होती है वो हमारी होती है ट्रू. अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू होती है और उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं. ये कंडीशन है हमारी टाइप टू एरर की. आई नो लिटिल बिट कन्फ्यूज़ हो जाता है इसमें. ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग होते हैं. एक इसको आप अच्छे से याद करने के लिए टेबल बना लो. ठीक है, उसमें एक तरफ लिखो एरर फर्स्ट एंड एरर सेकेंड. ठीक है, और यहाँ पे नल हाइपोथेसिस और यहाँ पे अल्टरनेट हाइपोथेसिस. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट एरर है ये हमारा एरर है. ठीक है, तो फर्स्ट एरर और सेकंड एरर. ठीक है, तो टाइप वन एरर जो होता है उसमें हमारी जो नल हाइपोथेसिस होती है वो कैसी होती है, वो ट्रू होती है और वो रिजेक्ट हो जाती है. और अल्टरनेट हाइपोथेसिस की बात करें तो वो हमारी फॉल्स होती है बट वो हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी. सेकेंड टाइप एक जो एरर होता है उसमें नल हाइपोथेसिस हमारी फॉल्स है. अब जस्ट आपको रिवर्स करना है, फॉल्स है तो हम एक्सेप्ट करेंगे और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारी क्या होगी, ट्रू है बट वो रिजेक्ट है. और सेकेंड टाइप हमारा बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, ये भी ध्यान रखना है. तो आप इस तरह से टेबुलर फॉर्म बना के याद करोगे तो थोड़ा ईजी हो जाएगा लर्न करना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज, सबसे सिंपल होता है CRD, कम्प्लीट रेंडमाइज डिज़ाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन विच प्रोवाइड्स मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर. मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर होता है CRD में.
Next question, which design is applied when the experimental material are limited and homogeneous? Experimental material आपके पास limited है but homogeneous है, at that time कौन सा डिज़ाइन सूटेबल होता है? CRD. Next one, the error degree of freedom in CRD calculator n minus e. Next question, the most commonly used design is, commonly used होता है RBD, that is randomized block design. तो randomized block design ये हमारा बहुत ज़्यादा commonly use होता है, ठीक है. Next one, RBD also called as, तो हम RBD को यानी randomized block design को और क्या कहते हैं? It is also known as one way elimination of heterogeneity design and two way classification of ANOVA. ठीक है, ये थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है. इसके बारे में हम कभी फ़िलहाल कभी दूसरे वीडियोस में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि RBD को, ठीक है, वन वे कंट्रोल या फिर टू वे क्लासिफिकेशन ANOVA कहा जाता है. ठीक है, फिलहाल आप याद रख लो. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन फर्टिलिटी ग्रेडियंट इन वन डायरेक्शन एंड द स्टैटिकल डिज़ाइन इज बेस्ड ऑन RBD. नेक्स्ट वन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीटमेंट अडॉप्ट इन RBD. RBD में जो मैक्सिमम ट्रीटमेंट अडॉप्ट कर सकते हैं दैट इज 20. नेक्स्ट वन, इन RBD द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इज इक्वल्स टू R. ठीक है, R क्या होता है यहाँ पे? R मीन्स होता है रेप्लिकेशन. नेक्स्ट वन, द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ RBD फॉर्मुलेटेड एज, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो निकालते हैं वो निकालते हैं, ये होता है इसका फॉर्मूला, दैट इज टी माइनस वन मल्टीप्लाई आर माइनस वन. ओके, ये तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम. नेक्स्ट वन, द डिज़ाइन इन विच द फर्टिलिटी ग्रेडियंट इज इन टू डायरेक्शन, टू वे डायरेक्शन, तो वो होता है हमारा LSD, दैट इज लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन. ठीक है, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन हमारा टू वे डायरेक्शन में होता है, यानी टू वे कंट्रोल ऑफ एरर होता है, लेकिन वैसे ही थ्री वे क्लासिफिकेशन होता है, थ्री वे क्लासिफिकेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, LSD ऑल्सो नोन एज, LSD को क्या बोलते हैं? टू वे क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोजेनिटी डिज़ाइन एंड थ्री वे क्लासिफिकेशन, जो मैंने आपको बताया थ्री वे क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट वन, द LSD, इन LSD द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ट्रीटमेंट इक्वल टू, तो ये तीनों इक्वल होते हैं. नेक्स्ट वन, द ऑप्टिमम नंबर ऑफ ट्रीटमेंट स्टडी इन द लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, तो हमारा जो लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन होता है उसमें जो ऑप्टिमम नंबर ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं वो 5 से 5 to 12 होते हैं. ठीक है, सुटेबल वैसे तो 5 to 8 जो होता है वो सुटेबल होता है, लेकिन अप्रॉक्स 12 तक भी वो सुटेबल, मतलब 12 तक वो ऑप्टिमम मैक्सिमम रहती है. नेक्स्ट वन, द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ LSD, तो LSD के केस में जो होता है वो हमारा होता है t-2 नहीं होता, ये रॉन्ग है यहाँ पे, आप इसको करेक्ट कर लो. ये क्वेश्चन यहाँ इस बुक में कुछ कुछ क्वेश्चंस ना बहुत उनके आंसर्स बहुत रॉन्ग दिए होते हैं, तो यहाँ पे t-2 t-1 क्यों होगा, दोनों में t नहीं होगा, ये रॉन्ग है. अगर हम बात करते हैं एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ LSD लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो हमारा एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है दैट इज़ r-1 n r-2, ये होगा. ठीक है, t-1 t-2 ये भी हो सकता है मे बी, बट r-1 r-2 भी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच डिज़ाइन प्रोवाइड्स मेन इफेक्ट एंड इंटरेक्शन, तो दैट इज फैक्टोरियल RBD. नेक्स्ट वन, द ट्रीटमेंट ऑफ DF फॉर थ्री फैक्टर्स ईच एट टू लेवल इज, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है 2 raised to power 3, दैट इज 6-1 = 5. इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टेक्निक ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ रेप्लिकेशन ओवर अ नंबर ऑफ ब्लॉक्स एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग सम इंफॉर्मेशन ऑन सेम इफेक्ट, इट इज़ नोन एज कन्फाउंडिंग डिज़ाइन. कन्फाउंडिंग डिज़ाइन का मतलब क्या होता है? कन्फाउंडिंग डिज़ाइन में बेसिकली हम एरर को रिड्यूस करते हैं. ठीक है, बाय हाउ? कन्फाउंडिंग
कन्फाउंडेंट डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, जो रेप्लीकेशन साइज है वो रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। और वी कैन से वी यूज़ स्मॉल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, यहाँ पे हमारे जो ब्लॉक्स होते हैं वो स्मॉल हो जाएंगे, स्मॉल ब्लॉक्स हो जाएंगे, ठीक है। और जब ब्लॉक्स स्मॉल हो जाएंगे तो इट इज़ मोर होमोजीनियस इन नेचर, ठीक है। जब ब्लॉक्स स्मॉल हो जाते हैं तो होमोजीनाइटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इन दैट केस वी विल, दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज नोन एज कन्फाउंडिंग डिज़ाइन। तो कन्फाउंडिंग डिज़ाइन में नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमें तो रिड्यूस हो जाते हैं, स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। और ये मेथड हम तभी यूज़ करते हैं व्हेन वी हैव नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड लेवल्स आर लार्जर देन दिस मेथड इज सुटेबल, ठीक है। जब फैक्टर्स या लेवल्स हमारे इंक्रीज होते हैं, ज़्यादा नंबर में होते हैं, तो हम कन्फाउंडिंग डिज़ाइन को ही, कन्फाउंडिंग मेथड वाले को हम डिज़ाइन टेक्निक को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर अनइम्पॉर्टेंट इन कन्फाउंडिंग डिज़ाइन, दैट इज़ इंटरैक्शन। नेक्स्ट वन, कन्फाउंडिंग डिज़ाइन इज अडॉप्ट व्हेन द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इज 10। तो कन्फाउंडिंग हम तभी यूज़ करेंगे व्हेन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट आर लेस, दैट इज 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एन इंटरैक्शन इफेक्ट इज कन्फाउंडेड विद ऑल द रेप्लीकेशंस ऑफ द ट्रीटमेंट, इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट और टोटल कन्फाउंडिंग। नेक्स्ट वन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिज़ाइन व्हेन ऑल फैक्टर्स आर नॉट ऑफ इक्वली इम्पॉर्टेंट इन एक्सपेरिमेंट, दैट इज रिफर्ड एज स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन। जब कोई इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कोई फैक्टर, दैट इज़ कॉल्ड स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन। नेक्स्ट वन, टू स्टडी टू फैक्टर्स विद डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिसीशन। तो अगर हमको दो फैक्टर्स स्टडी करने हैं बट लेवल ऑफ प्रिसीशन डिफर कर रहा है, वेरी करता है, देन दैट केस वी विल गो विद स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्टर रिक्वायर्स लार्जर यूनिट टू बी अप्लाइड एंड मे बी प्रोड्यूस लार्जर डिफरेंस, आंसर इज मेन प्लॉट। नेक्स्ट वन, द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ SDP फॉर्मुलेटेड एज, तो स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज़ R-1 D-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन 5 लेवल ऑफ मेन प्लॉट एंड 4 लेवल्स ऑफ सब प्लॉट ट्रीटमेंट विथ 3 रेप्लीकेशंस, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर बी सोर्सेज 30। ये थोड़ा कैलकुलेट करने से आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ सब ट्रीटमेंट्स आर लेड आउट इन स्ट्रिप्स देन डिज़ाइन इज नोन एज, जब स्ट्रिप्स में ले डाउन कर देते हैं पूरा डिज़ाइन को, दैन इट इज़ कॉल्ड रिफर्ड एज स्ट्रिप प्लॉट डिज़ाइन। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी नंबर ऑफ एरर वेरियंस आर अप्लाइड इन स्ट्रिप प्लॉट डिज़ाइन, तो स्ट्रिप प्लॉट डिज़ाइन में जो नंबर ऑफ वेरियंस अप्लाई होता है दैट इज़ ओनली 3। नेक्स्ट वन, इन ए स्ट्रिप प्लॉट डिज़ाइन विच वन इज़ टू बी टेस्टेड विद हाई प्रिसीशन, तो आंसर विल बी इंटरैक्शन, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, बट लास्ट में हम एक कुछ फैक्ट डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो एग्रीकल्चर एग्जाम्स में स्टैट्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लिमिटेड ही रहते हैं, क्योंकि बहुत कंसाइज सब्जेक्ट है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा वेटेज का नहीं रहता है, कम ही क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो बन सकते हैं कार्ल पियर्सन को लेके, कि कार्ल पियर्सन ने क्या क्या चीज़ें दी हैं, कर्टोसिस टर्म दिया है, SDCV का स्क्वायर टेस्ट, ये हम कुछ इंपॉर्टेंट है कार्ल पियर्सन के बारे में, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है दैट इज़ अबाउट फिशर, इंपॉर्टेंट है फिशर साइंटिस्ट, फिशर ने क्या क्या दिया है, फिशर ने दिया है वेरियंस के बारे में, वेरियंस हो गया, नल हाइपोथेसिस, अभी मैंने जो आपको बताई थी नल हाइपोथेसिस H0, ये भी फिशर ने दी है। एक होता है जेड टेस्ट, यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ, जेड टेस्ट होता है, और एनोवा जो यूज़ होता है ना, एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरियंस एनोवा जिसको बोलते हैं, वो भी फिशर ने दिया है, ठीक है। इसके अलावा एक टर्म था रिग्रेशन, कोफिशेंट ऑफ रिग्रेशन पढ़ा था ना हमने, रिग्रेशन जिसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वेरी करती है, तो रिग्रेशन टर्म जो है गैल्टन ने दिया है, ये रखना। एक होता है टी टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट किसने दिया था, गोसेट, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, रिग्रेशन गॉल्टन ने दिया है, टी टेस्ट गोसेट ने दिया है,
ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 11 एग्रो फॉरेस्ट्री को डिस्कस करेंगे। वीडियो का पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।